बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के बीच ट्विटर पर एक यूजर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर निशाना साधा। एक ट्विटर यूजर ने वित्त मंत्री को स्वीटी कहकर संबोधित किया, जिसका उन्होंने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया। यूजर ने मंत्री पर स्वामी विवेकानंद के एक मशहूर कथन को गलत कोट करने का आरोप लगाया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने विवेकानंद की जयंती के मौके पर ट्वीट किया था। मंत्री सीतारमण ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके कथन को ट्वीट किया था कि उठो जागो और ज्यादा सपने मत देखो, ये सपनों की भूमि है जहाँ कर्म हमारे विचारों से निकल कर माला बुनते हैं। मजबूत बनो, सच्चाई का सामना करो, इसके साथ एक रहो, विचारों का अंत होने दो। विवेकानंद के इस कथन का संदर्भ देते हुए सीतारमण ने द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद आईवी पीपी 38889 लिखा। इस ट्वीट के जवाब में सुजॉय घोष नाम के ट्विटर यूजर ने मंत्री को ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने सही कथन का प्रयोग नहीं किया है। यूजर ने लिखा कि निर्मला सीतारमण ने ये कथन कथा उपनिषद और स्वामी जी के कथा उपनिषद और उठो जागो से लिया है। स्वीटी अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक नहीं रुको है, न कि ज्यादा सपने मत देखो। ये बजट 2020 नहीं है जिसके बारे में आप हमें चेतावनी दे रही हो। उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक मत रुको एक नारा है जो कथा उपनिषद के एक श्लोक से प्रेरित है। इसे 19वीं शताब्दी के आखिर में स्वामी विवेकानंद ने मशहूर कर दिया था। वित्त मंत्री ने घोष को जवाब देते हुए कहा कि खुशी है कि आप रुचि ले रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने गलत कथन ट्वीट नहीं किया है। मंत्री के जवाब की सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं घोष की आलोचना हो रही है। सीतारमण ने घोष को जवाब देते हुए लिखा कि खुशी है कि आप रुचि ले रहे हैं। जहां तक उनके कोट करने की बात है, मैंने ये कहा कि द अवेकन इंडिया से है, जो अगस्त 1998 में लिखा गया था। वैसे मैंने कथन के नीचे इसके संदर्भ का हवाला दिया था। अगर आपको ज्यादा रुचि है तो इसे अद्वैत आश्रम की तरफ से प्रकाशित किया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.